वहां जी लूंगा, तमन बोलान जरूर नहीं। थोड़ तो खुद कर ले जाओ वैसे।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम कहाँ थे, तो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। मैंने बोला भी था थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ के आना, ठीक है। सो आज अपन उसको कंटिन्यू करते हैं और उसी के साथ इस चैप्टर का भी द एंड हो जाएगा। तो अपन फटाफट आते हैं अल्डोल कंडेंसेशन पे, ठीक है। मैकेनिज्म लास्ट क्लास में बात किए थे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सो ये था अपने पास अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। क्या हुआ था भाई, जरा इसको गौर फरमाते हैं। हुआ ये था कि हुआ ये था कि ये एक कीटोन लिया गया, एसीटोन लिया गया, एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स लिए गए, दो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। अब दो मॉलिक्यूल्स में हुआ क्या कि NaOH ने क्या किया, इसमें से एक मॉलिक्यूल का, ये मान लो एक मॉलिक्यूल में से अल्फा हाइड्रोजन एक निकाल लिया। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। सो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन को हटा लिया, एच प्लस को जैसे यहाँ खींच लिया तो यहाँ माइनस बन गया। इसके बाद ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, जैसे अदर न्यूक्लियोफाइल इस एल्डिहाइड, इस कीटोन या एल्डिहाइड जो भी लिया है हमने उस पर अटैक करते थे, उसी तरीके से ये भी अटैक करेगा, ठीक है। सो ये न्यूक्लियोफाइल गया और इसका ये वाला जो पोजीशन है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये जाता है और जाके जो इसका दूसरा मॉलिक्यूल लिया था, दो लिए थे, एक तो यही बन गया और ये जो दूसरा बचा उसके ऊपर जाके ये इस पोजीशन पे अटैक कर देता है। यहाँ जैसे अटैक करता है तो ऊपर में बन गया OH और नीचे में लग गया ये पूरा पूरा ग्रुप, ठीक है। अब ये हो गया अल्डोल रिएक्शन। फिर इसको हीट कर दिए तो हुआ क्या कि यहाँ से OH और इस बगल वाले में से H निकला, बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। हमने इसको बोल दिया अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो बेसिकली हुआ क्या, दो प्रोडक्ट्स हमको देखने को मिले, ठीक है। ये सिंपल अल्डोल प्रोडक्ट देखने को मिला, ये अल्डोल प्रोडक्ट देखने को मिला हमको, और ये अपने को मिला अल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट, अल्डोल कंडेंस्ड। कंडेंस्ड क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि यहां से देखा जाए तो वाटर क्या हो गया, बाहर हो चुका है। सो ये कहानी थी अपने पास अल्डोल रिएक्शन। कंडीशंस क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बिना अल्फा हाइड्रोजन के रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भैया अल्फा होगा नहीं तो यहां से निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल बनेगा नहीं तो रिएक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है। चलो, सो ये मैकेनिज्म तो समझ लिए, अब फटाफट अब इसके मैकेनिज्म याद रखना कि बोर्ड्स पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि भैया इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। सो बोलता है कि आपके पास एक ये चीज है C डबली बॉन्डेड O और H, ऑब्वियस इन दोनों जगह HH लगा हुआ, लो लगा ही देता हूं मैं। बोलता गया है कि इसमें अगर डाइल्यूट NaOH डाला गया है तो बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा। तो पहली चीज तो है कि प्रोडक्ट बनाए इसमें कैसे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है कैसे प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ आगे में टू लगा देते हैं भैया, ये टू मॉलिक्यूल्स है। बोला कि इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो पहले देखो इसका प्रोडक्ट बनाने का तरीका सोचो कि इसका तरीका कैसे है, किस तरीके से इसके प्रोडक्ट को बनाना है, ये लॉजिक समझो। अगर आपको बोलता है अल्डोल प्रोडक्ट बनाने के लिए तो पहले चुपचाप करो क्या कि पहले इस मॉलिक्यूल को लिखो एकदम प्यार से, हाइड्रोजन मैं फिलहाल के लिए हटा दे रहा हूँ, छोटू को लगा के लिखता हूँ ना, फिर कंफ्यूजन होगा, फिर रोना गाना होगा। चलो ठीक है, एक ये हो गया, एक दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ नीचे सेम एकदम इसी तरह का एक मॉलिक्यूल मैं और बना लेता हूँ, दो है बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, करना यह है कि दोनों में से किसी एक का अल्फा हाइड्रोजन वाला जो पोजीशन है उस पोजीशन को खाली करना है, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, किस तरीके से मैं नीचे वाले का ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से उड़ा रहा हूं, ध्यान दो क्या कर रहा हूं, पहला स्टेप इस अल्फा हाइड्रोजन को यहां से उड़ाया, डन है, और इसको उड़ाने के बाद इस वाले पॉइंट को ऊपर वाले कार्बन से कनेक्ट कर दिया,
जो यहां से अल्फा हाइड्रोजन उड़ाया उसको बस अब यहां से इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ा, जो यहां से अल्फा हाइड्रोजन उड़ाया था उसको ले आके यहां चिपका दिया। क्या किया, ध्यान देना, स्टार्ट से बोल रहा हूं, ध्यान दो, ठीक है। पहला काम यहां से अल्फा हाइड्रोजन को उड़ाना, ठीक है। दूसरा काम जहां से अल्फा हाइड्रोजन को उड़ाया इस वाले कार्बन से दूसरे वाले कार्बन को कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले एल्डिहाइड या कीटोन में का, अपने वाले से नहीं, कनेक्ट कर दिया, ठीक। तीसरा काम इस वाले कार्बन जो जहां कनेक्ट किया वो पांच बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, हमको पता है भैया कार्बन पांच बॉन्ड नहीं बनाते, पांच बॉन्ड बनाते दिख रहा है, तो इसको तोड़ दिया, डबल पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, सबसे वीक वही होता है, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, और जो नीचे इस जगह से हाइड्रोजन को उड़ाया था उस हाइड्रोजन को ले जाके यहाँ पे चिपका दिया, बन गया आपका प्रोडक्ट। बोलेगा भैया इसका नाम लिखो, तो पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये बन जाने के बाद तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख ही सकते हैं, चलो तो मान लो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपने को लिखना आया, तो हम कैसे लिख लें, तो जरा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपन लिख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो देखो मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, किसी को दुख हो तो मुझे बता देना कि भैया हमको तो दुख है, हम नहीं मानते कि ऐसे होना चाहिए। क्या हो गया भाई, डन है, इस प्रोडक्ट को देख लो, अगर कोई ऐसा जो दुखी है तो मुझे बता दो, भैया हम तो दुखी हैं, ऐसे आपने कैसे लिख दिया, हमको पल्ले नहीं पड़ा। कोई भी ऐसा जो दुखी हो तो मुझे बता देना कि भैया हम तो दुखी हैं, हमको पल्ले, सॉरी ये किसमें से उड़ा दो, ये लास्ट वाला। कोई ऐसा जो इसमें दुखी हो तो, मेरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक दो, अच्छा तीन तीन तीन, एक मिनट रुको, एक और इसमें होगा ना, एक दो तीन तीन गया, गड़बड़ है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड लिखने के चक्कर में गड़बड़ है, सी अब ठीक है, ठीक है, चलो देख लो इसको प्यार से, देखो नम, अगर इसको तुम लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो, ए बी सी, और इधर हो गया ये मान लो डी, ठीक है, और ये वन और ये टू, चलो इसमें ऊपर वाले में नंबरिंग कर लेता हूं मैं, ये ए वाला कार्बन, बी वाला कार्बन, सी वाला कार्बन, ये डी वाला कार्बन, और ये वन वाला कार्बन, ये टू वाला कार्बन, ठीक है। देख लो कोई ऐसा जिसको इसको लिखने में, मतलब ये जो तरीका, मतलब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख लिया, इसमें समस्या है तो मुझे बता दो, थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए ना, जरूरी है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो चलो भैया इसका नाम लिख लेते हैं। तो देखो इसका नाम क्या आएगा, पेरेंट ग्रुप तो ये है अपने पास एल्डिहाइड, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन है अपने पास, एल्डिहाइड है भैया, इसको गौर फरमाओ, एल्डिहाइड है अपने पास पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसको लेते हुए सबसे लंबा चेन पकड़ लो, तो एक दो तीन चार पांच, पांच का सबसे लंबा चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले तो पेंटानल, ठीक है। अब ये एक यहाँ पे और ये एक यहाँ पे, दो सब्सिट्यूएंट है, कितने कितने नंबर पे, तो एक दो, दो नंबर और तीन नंबर पे, तो दो नंबर पे है हाइड्रोक्सी और तीन नंबर पे है मिथाइल, ठीक है, दो पे हाइड्रोक्सी और तीन पे क्या है, मिथाइल है, अच्छा सर उल्टा 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 उल्टा, दो पे मिथाइल तीन पे हाइड्रोक्सी है, तीन पे हाइड्रोक्सी दो पे मिथाइल, ठीक है, नंबरिंग कर लो यहाँ पे, और एक सेकेंड, हाँ एक दो तीन चार पांच, चलेगा, ठीक है। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया ये चीज लिखने हमको नहीं आया, ना नाम लिखने आया, ना प्रोडक्ट बनाने आया, प्रोडक्ट कैसे बनाना है समझा दिया, नाम कैसे लिखना है समझा दिया, किसी को रोना गाना मचाना है तो अभी मचा लो, फिर क्वेश्चन दूंगा तो रोना गाना नहीं मचाना है, अभी मचा लो रोना गाना, किसी को मचाना है तो, चलो ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो, फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो, इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए, दो लिए, इस वाले एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए, मैंने दो बना लिए, ठीक है। क्या किया उसके बाद,
जो नीचे वाला एल्डिहाइड था उसमें से जो जस्ट अल्फा वाला कार्बन है जो इस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप से चिपका हुआ है, उस वाले कार्बन पर से एक हाइड्रोजन को उड़ाया, ठीक। और उसको उड़ाने के बाद जो वहां बॉन्ड खाली हुआ, जो जगह खाली हुई, उससे कनेक्ट कर दिया ऊपर वाले कार्बन को, कौन से वाले कार्बन को, जो एल्डिहाइडिक है जो फंक्शनल ग्रुप वाला है, उसको कनेक्ट कर दिया। जैसे इसको कनेक्ट किया तो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा था, उस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया क्योंकि कार्बन पांच बॉन्ड नहीं बना सकता, उसको डबल बॉन्ड को तोड़ा। तो बेसिकली यहाँ वाला हाइड्रोजन उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, ऐसे समझ लो, यहाँ वाला हाइड्रोजन उठाया यहाँ पे ऐसे भेज दिया और इसको कनेक्ट कर दिया, बन गया तुम्हारा एल्डोल प्रोडक्ट। अब कुछ करना ही नहीं है, ये कहानी रेडी है, नाम इसका लिख दिया। कंडेंसेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो एक स्टेप बाद लिखेंगे, पहले एल्डोल बनाने आना चाहिए, ठीक है। चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं भैया इसको ध्यान दो और इसका प्रोडक्ट का नाम बताओ बस, कि भैया इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। बोलता है दो मॉलिक्यूल लिया है ये, इसको कर रहा है डाइल्यूट KOH के साथ ट्रीट, बोला जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ। शुरू हो जाओ इसके प्रोडक्ट का नाम फटाफट बताओ कि भैया इसके प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इसके प्रोडक्ट का नाम फटाफट बताओ कि भैया इसके प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी। करो फटाफट। प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या होगा, तब तक मैं रेस्ट करता हूँ। गुड कुंदन, एक आंसर आया अभी तक, बाकी जनता सो रही है। सोलो 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 प्रत्युष गड़बड़ है। गुड शिवानी, गुड रितु, संजना नंबरिंग चेक करो बेटा, नाम और नाम का जो आपने रूट नेम लगाया वो भी चेक करो, प्रोप होगा या कुछ और होगा। चलो ठीक है, ध्यान दो भाई यहाँ पे। अब मैं सीधे सीसी लिख के काम चलाऊंगा, ठीक है। चलो देखो, दो लिया, दूसरा ले लिया, ठीक है। मैं इस वाले से अल्फा वाले कार्बन से ऊपर वाले को कनेक्ट करूंगा, ऊपर वाले के डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा और यहाँ पे लगा लूंगा भैया हाइड्रोजन। काम मेरा बन गया, काम बन चुका है मेरा, ठीक है। अब चलो भैया, तो इसको जरा प्रेम से लिखो। अच्छा, एक ही सिंगल सिंगल कार्बन का था, सॉरी सॉरी सॉरी, तीन तीन क्यों लिया, ऊपर वाला फिर से बना दिया। हाँ ठीक है, अब तो ठीक है। हाँ चलो, बन गया मेरा प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट क्या है बना,
सी सी यहाँ ओ एच, ठीक है, और फिर नीचे वाले के अकॉर्डिंग सी और यहाँ पे एल्डिहाइड, काम खत्म। प्रोडक्ट अगर ध्यान दोगे, नंबरिंग वंबरिंग सही से करोगे तो दिखेगा क्या कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, तीन नंबर पे लगा हाइड्रोक्सी और उसके बाद क्या हो गया ब्यूटानॉल, तो क्या नाम हो जाएगा, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, चलेगा, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। गुड सुरुचि, डन है? किसी को रोना गाना मचाना है इसमें? कोई ऐसा जिसको रोना गाना मचाना है कि समझ, कोई ऐसी चीज जो लगती है जादू हो गई है भैया, समझ समझ में नहीं आया इसमें? ठीक है, चल अगला प्रश्न। बनाना है सुरुचि, अभी रुक जा, अभी कंडेंसेशन पे नहीं आ रहा, अभी पहले एल्डोल प्रोडक्ट बना लो फिर कंडेंसेशन पे आऊंगा, सारे कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, फटाफट इसका प्रोडक्ट बनाओ। नाम क्या होगा देख लेना, नाम क्या होगा पहले तो बना लो इसको, तब नाम सोचना क्या होगा, पहले बनाओ इसको प्यार से। सोच के बनाना आराम से, नाम जो भी है लेकिन सोच के बनाना, सही बनना चाहिए नाम चाहे जो भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। करो फटाफट, कोई बात नहीं जी, तो बोले नाम तो लिख लिया, सॉरी बना तो लिया, नाम लिखने में समस्या है अपने को, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट बना लो, नाम लिख लेंगे अपन, क्या है नाम में क्या रखा है, प्रोडक्ट बस सही से बनाओ। बन गया, चलो ठीक है, सो बनाते हैं अपन प्रोडक्ट फटाफट, चलो ध्यान दो। मैं इस भाई साहब की जगह पीएच लिख ले रहा हूं। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ का हाइड्रोजन रोल लेगा, यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है, रोल क्या आएगा, क्या यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है नहीं तो कोई रोल तो इसका आएगा नहीं, जो भी कहानी होगी वो इसी से रिगार्डिंग होगी, ठीक है, चलो तो मैं इस पूरे भाई साहब की जगह पीएच लिख ले रहा हूँ, फिनाइल सी डबली बॉन्डेड ओ सी एच थ्री पीएच सी डबली बॉन्डेड ओ सी एच थ्री। चलो भैया कहानी शुरू करते हैं, इसका हाइड्रोजन उड़ाया, इसका डबल बॉन्ड उड़ाया, ठीक है, ये दो किया, इसको कनेक्ट किया, यहाँ एच लगा लिया, काम खत्म, ठीक है। चलो भैया इसका नेमिंग करो, चलो मैं यहीं पे नेमिंग कर ले रहा हूँ, एक दो तीन चार, चार का पेरेंट चेन, ठीक है, तीन नंबर पे दो सब्सिट्यूएंट, एक नंबर पे एक सब्सिट्यूएंट, नाम क्या आ जाएगा इसका,
नाम आ जाएगा 1.3 डाइफिनाइल, ठीक है, इससे पहले लिखा जाएगा 3-हाइड्रोक्सी और फाइनली इसका नाम क्या जाएगा 1, 2, 3, 4 तो ब्यूटानोन। काम खत्म। ब्यूटानोन क्यों आया भैया? चार का चेन था अपने को दिख रहा है, ये चार का चेन है, 1, 2, 3, 4 चलेगा। कोई ऐसा इसको इस नाम में समस्या है तो बता दो भैया, हमको नाम लिखने नहीं है, सिंपलीफाइड करके बता दो, मैं सिंपलीफाई करके बता दूं, ऐसा कुछ है? ब्यूटानोन होगा, ब्यूटानल नहीं होगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड नहीं है भाई साहब, ये कीटोन है, कीटोन। देखो यहाँ ध्यान दो, इस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटानोन हो जाएगा, ना कि ब्यूटानल होगा। कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है नाम में तो बता दो भाई, कि हमको नाम पे रोना गाना मचाना है, समझ में नहीं आया। कोई ऐसा? डन है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, प्यारा सा छोटा सा एक और एग्जांपल, ठीक है? नेक्स्ट ये एग्जाम्पल थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ सकता है, ठीक है? अब क्या है ना कि एक ही चेन में आपको दो कीटोन दिए हुए हैं, ठीक है? अब सारी कहानी इससे, चलो इसको थोड़ा मैं सिंपलीफाई करता हूँ, हटाओ इतना, इसमें थोड़ा सा हो सकता है रोना गाना मचाओगे। दो एल्डिहाइड कर दिया मैंने, ठीक है? बोलता क्या है कि भैया इसका बताओ अल्डोल प्रोडक्ट कैसा बनेगा। अब आपको कराना क्या है? आपको कराना है अल्डोल जो कि इंट्रामोलिकुलर हो, इंट्रामोलिकुलर। अब इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या हुआ? इंट्रामोलिकुलर का मतलब हुआ इन भी दोनों एल्डिहाइड में से एक का अल्फा निकलेगा, दूसरे पे जाके अटैक करेगा। मतलब या तो यहां से निकाल के यहां ले आके अटैक कराओ, या फिर यहां से निकाल के यहां ले आके अटैक कराओ। सो चॉइस आपकी है, जैसे मन वैसे अटैक कराओ, ठीक है? इधर वाले का निकाल के उधर वाले पे, या उधर वाले का निकाल के इधर वाले पे अटैक कराओ, फटाफट प्रोडक्ट बनाओ, शुरू हो जाओ, फटाफट शुरू हो जाओ। यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल नहीं मिला, एक ही मॉलिक्यूल में दो आपको क्या दिए हुए हैं, कीटोन, सॉरी दो एल्डिहाइड दिया हुआ, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ऑलरेडी है। शुरू हो जाओ फटाफट और प्रोडक्ट बनाओ इसका। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ सकता है, पर करो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग, करो। और नाम लिख के मुझे बताना कि इसका नाम क्या आ रहा है। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया क्या करना तो बता दो भाई, कि हमको समझ में ही नहीं आया क्या करना है। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि हमको तो समझ में ही नहीं आया करना क्या है, प्रोडक्ट कहाँ से बनाया, हमको तो पल्ले नहीं पड़ रहा क्या बता दिया इस आदमी ने। करो फटाफट, इंट्रामोलिकुलर लिखा है अदनान बाबू, इंट्रा, इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल के अंदर में ही, जो भी कहानी है मॉलिक्यूल के अंदर में है, डूब जाओ। दिस इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर।
ऋतु गड़बड़ है बेटा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइक्लिक बनेगा। संजना गड़बड़ है, नाम गड़बड़ है। चलो ठीक है, मैं बना रहा हूं, ध्यान दो। यहां पे मैंने मान लिया, कोई भी तुम ले सकते हो, ऐसा मना नहीं है। मान लो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो है ऑलरेडी अपने पास। ठीक है, अच्छा रुकूं? ठीक है रुक रहा हूं, करो। रुका हूं, करो, नहीं बता रहा अभी। थोड़ा सा भी अगर प्लस जाता है तो बस हाथ खड़े कर देते हो, ना हो पाएगा, छोड़ो जाने दो। बहुत समस्या है, हाँ जी। चलो ठीक है, सो बनाते हैं फटाफट। देखो मान लिए कि भैया यहां दो हाइड्रोजन रहे होंगे, हैं? ठीक है, अब यहां दो हाइड्रोजन, तो उसमें से एक कूड़ आया, सो इसको पहले हटा दे रहा हूं। इसमें से हाइड्रोजन को उड़ा रहा हूं और इस वाले पोर्शन को ले आके यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूं, और इस वाले भाई साहब को यहां से तोड़ के ऊपर में कर दे रहे हैं। ठीक है, चलेगा? चलो डन है। तो मैं फटाफट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं, ताकि पता चलते रहे क्या लिखा था। सो देखो, इसको मैं कार्बन के फॉर्म में लिख रहा हूं। ये भैया ऐसे हो गए, उसके बाद कितने कार्बन का चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों कनेक्ट किया, इस वाले को उड़ाया और यहाँ पे एच लगा लिया, काम खत्म। ठीक है, चलो भैया, तो इसका देखो, जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है, देखो ध्यान दो, कितने कार्बन का रिंग बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन का रिंग बन रहा है। तो भैया 5 कार्बन का पहले तो रिंग बना लो। ठीक है, इस चाहो तो इसका नेमिंग कर सकते हो, कोई मना नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, चलो 1 वाला जो है ये बाहर बैठा हुआ है, इसको ऐसे लगा लिया। 1 और 2 वाला कनेक्टेड है, तो ये 2 हो गया। 2 के बाद मान लो इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 6 हो गया। 6 वाले पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। कोई ऐसा जिसको समस्या हो तो मुझे बता दो कि भैया इसको ऐसे कैसे लिखा, हमको समझ नहीं आया। डन है, देख लो इसको प्रेम से देख लो, और कुछ समझ में नहीं आया तो फटाफट पूछ लो कि भैया हमको समझ में नहीं आया। क्या हो गया महफूज, बोलो। डन है, चलो अब इसका नाम लिखते हैं। देखो अगर गलती से थोड़ा सा नाम इसका याद आएगा ना, मिली बोल रही है, मिली मिली बेटा ये करो, चलो ऑडियो ऑन करो। मिली बच्चा ऑडियो ऑन कर ले। यस सर। ठीक है, कहाँ से समझ नहीं आया, ये वाला समझ आया? नो सर, ये प्रोडक्ट कैसे बनाया ये वाला नहीं समझ में आया। अच्छा, नहीं समझ में आया, ठीक है। अच्छा देखो, अल्फा हाइड्रोजन अपने पास कहाँ है, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है। यस सर। ठीक है, दोनों ही अपने को, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसका वाला अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से उड़ा, मान लो इसका वाला अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से उड़ गया, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से उड़ा दिया। ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन उड़ाने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, कि अल्फा हाइड्रोजन जहां से उड़ा है उस वाले को लेगा, दूसरे वाले के एल्डिहाइड पे, दूसरे वाले कार्बोनिल पे लेकर कनेक्ट कर देते हैं, यही करते हैं ना? यस सर। ये ठीक है, या जो किया ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये किया और उसके बाद क्या किया, इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ के ऊपर में लगा लिया एच, चलेगा? यस सर। अब देखो, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख लूं, देखो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ कार्बन का, 6, 5, 4, 3, 2,
एक, मैंने क्या किया दूसरे और छठे वाले को कनेक्ट किया, दूसरे और छठे वाले को कनेक्ट किया, सिक्स वाले पे OH बन गया, सिक्स वाले पे यहाँ पे OH बन गया, देखो सिक्स पे OH बन गया, इधर सिक्स पे OH बन गया, एक पे एल्डिहाइड जैसे के तैसे रह गया, चलेगा? यस सर। अब समझ में आया? यस सर। पक्का या बस ऐसे? ठीक है, हम मान लेते हैं। यस सर, आ गया वो। अच्छा ठीक है, चलो ओके। बोलो प्रत्युष, ऑडियो अब ये करो, क्या बोलते हैं, हैंड रेज करो फटाफट, तो हैंड रेज करो फटाफट प्रत्युष, क्या बोल रहा है? अरे मैं कीबोर्ड काम नहीं करता ऊपर वाला, तो मुझे पता नहीं चलता। चलो ठीक है ओके, तो इसका नाम लिखते हैं फटाफट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सो इसका नाम लिखते हैं। अच्छा एक चीज अगर याद करोगे, गलती से थोड़ा बहुत याद करोगे तो याद आएगा कि अगर मैं इस वाली चीज को यहां से उड़ा दूं तो इसको क्या बोलते थे, स्पेशल सफिक्स लगा के इसका नाम लिखते थे, क्या लिखते थे, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, याद करो स्पेशल सफिक्स लगता था इसके लिए। ठीक है, सो ये तो पूरी चीज हो गई साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है, और ये लगा हुआ है OH, बस काम खत्म, शुरू हो जाओ। तो भैया ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। अब हाइड्रोक्सी यहाँ कहाँ लगाओगे, तो भैया देखो साइक्लोपेंटेन जब पेरेंट चेन माने ना, तो ये एक नंबर कार्बन, ये दो नंबर कार्बन होगा, दो पे हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, सो ये हो गया इसका नाम, चलेगा? चलो ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया अपने पास प्रोडक्ट किस तरीके से बना सकते हो। अब ये तो हो गया नॉर्मल। अब देखो एक चेन में हमने कर लिया था ये काम, मान लो एक चेन में ये दे दिया तो ठीक है, अगर अपने को ऐसा हो जाए कि दो अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन दे दे तब कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि दो अलग अलग ही दे दे तब क्या करें, तो भैया उसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रॉस अल्डोल, सेम इसी तरह की चीज है, बस उसमें थोड़ा सा अलग काम क्या करना है, क्रॉस अल्डोल। अब ये क्रॉस अल्डोल क्या चीज है भाई, तो देखो इसमें क्या होगा ना कि दो अलग अलग, जैसे अभी तक क्या हो रहा था ना कि दोनों एल्डिहाइड एकेटोन सेम ही होते थे, अब की बार क्या होगा ना दो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो देखो भैया दो अलग अलग अपन लेते हैं, चलो तो मान लो ये ले लिया CH3COH और साथ में इसके ले लिया है CH3CO और यहां पे भी मान लो लगा लिया CH3। बोलता गया कि भैया इसका प्रोडक्ट बताओ, अगर OH माइनस ले लिया तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब इसका प्रोडक्ट क्या क्या पॉसिबल है, सोचो क्या क्या पॉसिबल, दोनों अलग अलग चीजें हैं तो क्या क्या पॉसिबल है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि भैया देखो अब इन दोनों में एक को अटैक कराना है और एक पे अटैक होगा, दो चीजें, दो होते थे ना, एक से हाइड्रोजन निकालते थे और वो दूसरे पे जाके अटैक करता था, तो देखो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है सबको पकड़ो पहले, एक तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, लेकिन ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन एक जैसे हैं, अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों का जो पोजीशन है वो दोनों एक जैसा है, इधर से काम कराओ, इधर से अटैक कराओ, इधर से अटैक कराओ, बात बराबर ही है। ठीक है, चलो तो हम क्या क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि यहाँ वाले से यहाँ पे अटैक करा लो एक प्रोडक्ट और यहाँ वाले से यहाँ वाले पे अटैक करा लो दूसरा प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमें क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, हमें दो तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, कब, जब एक बार ये अटैक करे इसके ऊपर और एक बार ये अटैक करे इसके ऊपर, तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। फटाफट दोनों तरह के प्रोडक्ट अपने कॉपी में बनाओ, फिर अपन आएगी कहानी की बात करेंगे। चलो, एंड दिस इज नोन एज क्रॉस अल्डोल। क्या हो रहा है यहाँ पे भैया, जो अटैक करने वाला और अटैक होने वाला दोनों स्पीसीज क्या है, अलग अलग है, पहले सेम हुआ करती थी। चलो करो फटाफट, दो प्रोडक्ट बनेगा, दोनों प्रोडक्ट फटाफट यहाँ बना लो, नाम हमने लिखना, दोनों प्रोडक्ट फटाफट बना लो ताकि अपन आगे फिर बढ़ ले, आसान है, कोई टफ नहीं है, कोई ऐसा इसको लगे कि टफ है तो फटाफट बता दो, भैया हमको समझ में नहीं आया ये क्या चीज है, क्या बता दिए क्रॉस अल्डोल में, इस वाले का उड़ाओ इस पे अटैक करा लेना एक प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर इन दोनों में से किसी एक का उड़ा लो और इस पे ले आकर अटैक करा देना दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलो करो।
हो गया। हाइड्रोजन कैसे OH- से उड़ता है बच्चा, ये OH- आता है यहां से H+ को लेकर चला जाता है, ठीक है। चलो तो मैं इसको थोड़ा अलग कलर देता हूँ, इसको थोड़ा अलग कलर देता हूँ ताकि बनाने में आसानी हो। CH3COCH3, ठीक है। चलो सो मैं अपन एक प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छा रुक जाओ, ठीक है। दोनों में से एक बार इधर वाले को उड़ाओ, एक बार उधर वाले को उड़ाओ, दोनों में से एक एक करके देखते हैं। संजना प्रोडक्ट बना लो बेटा पहले, फिर देखते हैं क्या बनेगा। दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, इधर वाला उस पे जाके अटैक करेगा तो अलग बनेगा, उधर वाला इस पे आके अटैक करेगा तो अलग बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है, सो फटाफट इसके प्रोडक्ट अपन बनाते हैं। चलो ध्यान दो, देखो मैं नीचे में इसके प्रोडक्ट बना रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। पहले मैं अटैक करा रहा हूं, इसको अटैक कराऊंगा इसके ऊपर, पहला स्टेप पहले मैं, ठीक है। सो देखो मैं पहले ग्रीन वाले को ऊपर लिख लेता हूं CCOH, और नीचे ब्लू वाला लिख लेता हूं CC OC, ठीक है। सो भैया हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस वाले का एच उड़ाया है, इसको ले आके इस पे चिपका दिया है, और इस वाले को यहां से उड़ाया है और यहाँ पे एच लगा लिया है, डन है। सो एक प्रोडक्ट अपने को देखने को मिला, ठीक है। जब ये वाला इस पे अटैक किया था, ध्यान देना कब अटैक, ये वाला प्रोडक्ट कब मिला है, जब इधर वाले ने इधर वाले पे अटैक किया है, ठीक है। अब इधर वाले पे अटैक, मतलब ये वाला जो है ए नाम देता हूं मैं, ए बी, जब बी ने ए पे अटैक किया है, तो अब मैं बना रहा हूं जब ए बी पे अटैक करेगा तब कैसा प्रोडक्ट बनेगा। चलो सो भाई साहब इधर वाले का हाइड्रोजन निकलेगा और ये जाके इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो बना लेते हैं, पहले तो फटाफट लिख ले अपन इसको। तो अब की बार ब्लू वाले को ऊपर लिख लेता हूं मैं ओ सी, और ग्रीन वाला नीचे में लिख लेते हैं सी। बोर्ड में कभी भी लिख के आना, तो भैया बोर्ड में ध्यान देना एक चीज, बोर्ड में कभी भी ना ये कार्बन कार्बन मत लिखना, हाइड्रोजन जरूर से लगाना, ठीक है। लिख लिया, अब क्या करें अपन, इस वाले को ले जाए, इस वाले को ले जाए यहाँ चिपका लें, और इस वाले भाई साहब से यहाँ से इसको उड़ाएं और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लें, बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब दोनों का नाम तो लिख सकते हो, नाम लिखने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एक केस में एल्डिहाइड बना, एक केस में कीटोन बना, इस केस में इस पे अटैक हुआ, नाम लिख सकते हो, नाम लिखने में कोई समस्या नहीं है, चलेगा। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो, भैया हमको क्रॉस अल्डोल समझ में नहीं आया, क्रॉस अल्डोल में कैसे प्रोडक्ट बने, क्रॉस अल्डोल में कैसे प्रोडक्ट बना हमको समझ में नहीं आया, फटाफट बता दो कोई ऐसा है, ठीक है, चलेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल बोलता है एल्डिहाइड कैसे बना। बच्चा ये ध्यान दो ना, ये एल्डिहाइड नहीं बना, ये तो एल्डिहाइड ही है ना, देखो इसको सीधा सीधा करके लिखोगे तो ये क्या आएगा, पेरेंट चेन, एक दो तीन चार, चार कार्बन का पेरेंट चेन, तीन नंबर पे हाइड्रोक्सी भी मिथाइल भी, तो 3-hydroxy-3-methyl-butanol, इसका नाम क्या हो गया, 3-hydroxy-3-methyl-butanol, ठीक है। इस वाले में ध्यान दो तो कहानी अलग है, इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा, तो एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन का पेरेंट चेन। अब इसमें क्या हो गया, आप क्या बोलोगे, इसका पेंटानोन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट OH होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-hydroxy-pentanone, 4-hydroxy-pentanone, चलेगा। पेंटानोन से आगे 2 लगा सकते हो, पेंटेन 2, ठीक है चलेगा, 2 आएगा ना, दो नंबर पे 1 है ना, डन है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान दो, इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, बोलता क्या है कि भैया आप मुझे बस इतना ये बता दीजिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, देखो ध्यान देना क्वेश्चन को, ध्यान देना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अल्डोल प्रोडक्ट कितने होंगे, टोटल पॉसिबल अल्डोल प्रोडक्ट कितने होंगे, ठीक है। चलो पहले इसको कंप्लीट कर दूं मैं, ये भाई साहब है और ये भाई साहब है, टोटल पॉसिबल अल्डोल प्रोडक्ट कितने होंगे, देखो
तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितने टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखो इसमें अगर तुम ध्यान दोगे तो बेटा यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन अलग है, क्योंकि इधर भैया चेन अलग है, इधर चेन अलग है। ये अटैक करेगा कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा, ये कुछ अटैक करेगा अलग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सेम कहानी यहाँ का अल्फा और यहाँ का अल्फा भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ जो मैथ्स वाले हैं वो तो समझ गए होंगे कि ये भी अलग है, तो ये अटैक करेगा अलग, ये अटैक करेगा अलग। तो बेसिकली ये दोनों अटैक करेंगे इस पे, तो एक बार ये कर सकता है इस पे, अब देखो ध्यान दो, ये एक बार कर सकता है इस पे, ये एक बार कर सकता है इस पे, ठीक है, ये एक बार कर सकता है इस पे और ये एक बार कर सकता है इस पे। मतलब टोटल जो पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, यहाँ से दो, यहाँ से दो, तो भैया 2 × 2 कितने पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, 4। सो पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ कितने हो जाएंगे, कितने होंगे, 4। जिसको नहीं समझ में आया फिर से ध्यान दो, ये एक बार यहां अटैक किया, ये एक बार यहां अटैक किया, दो प्रोडक्ट, फिर ये यहां अटैक किया, फिर ये यहां अटैक किया, फिर दो प्रोडक्ट, टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए, 4। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया किस केस में कितने प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ये आपका होमवर्क है, आराम से चारों प्रोडक्ट घर पे बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है, 4 प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे ये आपको घर पे बनाना है, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी थी अल्डोल कंडेंसेशन की, भैया अल्डोल कंडेंसेशन होता, सॉरी अल्डोल रिएक्शन होता क्या है। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा कंडेंसेशन के लिए, कंडेंसेशन क्या होता है। देखो कंडेंसेशन करना बिल्कुल आसान काम है, कैसे, रिएक्शन का प्रोडक्ट बना लिए ना, रिएक्शन का प्रोडक्ट बना लिए, कंडेंसेशन कैसे करोगे। कंडेंसेशन करने का देखो तरीका क्या है, ये जो कनेक्टिंग बॉन्ड बनाए थे, ये जो कनेक्टिंग बॉन्ड बना था ना, ये जो कनेक्टिंग बॉन्ड बना, ये वाला जो बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड को क्या करो ना कि डबल बॉन्ड बना दो, इस वाले बॉन्ड को क्या करो कि डबल बॉन्ड बनाओ, इसको डबल बॉन्ड बनाओ, ठीक है, और ऊपर वाले OH को उड़ा दो, मतलब ऊपर वाला OH और नीचे वाला H ये दोनों उड़ेगा, ठीक है। सो इसको डबल बॉन्ड बनाओ, ये ऊपर वाले OH को उड़ाओ, नीचे वाले H को उड़ाओ, काम खत्म, हो गया आपके पास कंडेंस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो मैं फटाफट इसके कंडेंस्ड प्रोडक्ट बना रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। सो इसका कंडेंस्ड प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कंडेंस्ड कैसे बनेगा, इन दोनों C और D वाले बीच, C और D के बीच में ये C है, देखो ध्यान दो, ये C है और ये D है, C और D के बीच में जो सिंगल है उसको डबल कर लेना अपने को, यहां से OH उड़ाना है और नीचे से H उड़ाना है। तो देखो भैया मैं इसका कंडेंस्ड प्रोडक्ट बना रहा हूं, C C C, ठीक है, C C यहां पे, नीचे C, ये O और ये H, ठीक है। क्या क्या नेमिंग था अपने पास, तो भैया ये था ए बी सी डी, ये था ई, था ये टू था, ये वन था, ठीक है। क्या किया, सी और डी के बीच का जो कनेक्ट किया था बॉन्ड को दो के बीच में, उसको डबल बनाना है, तो सी और डी में क्या किया, बीच में डबल बॉन्ड लगा लिया, काम खत्म, यहां से OH उड़ा दिया है और यहां से H को उड़ा दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, डन है। चलो फटाफट नीचे वाले में मुझे बता दो भैया, नीचे वाले का कंडेंस प्रोडक्ट मुझे फटाफट बनाओ, उसका नाम लिख के बताओ, नीचे वाले का कंडेंस प्रोडक्ट बनाओ और नाम लिख के बताओ, जल्दी से इसका कंडेंस बनाओ और नाम लिख के बताओ। जो कनेक्टिंग बॉन्ड है उसको उड़ाओ, कनेक्टिंग बॉन्ड को उड़ाओ, ठीक है, बस एक जगह से OH, एक जगह से OH उड़ेगा, काम खत्म, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। चलो फटाफट बताओ इसका कंडेंस प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से, कनेक्टिंग बॉन्ड का H और OH उड़ा देना है और डबल बॉन्ड लगा देना है, कनेक्टिंग बॉन्ड पे एक जगह H है, एक जगह OH है, अपने को पता है ये चीज, करो फटाफट। हो गया, चलो सो देखो अपने को डबल बॉन्ड कहां लगाना है, मुझे ये बताओ किस किस के बीच में लगाना है डबल बॉन्ड, किस किस कार्बन के बीच में लगाना है डबल बॉन्ड, जल्दी से बता दो। इस वाले केस में किस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया जाए, किन दो कार्बन के बीच में, ऋतु गड़बड़ है, बिल्कुल ठीक है, संजना ठीक है, प्रत्युष ठीक है, कुंदन किसके किसके बीच में लगाना है, 3 और 2 के बीच में लगाना होगा, इन्हीं दोनों को कनेक्ट किया था ना, तो 3 का OH उड़ा और 2 पर से H उड़ा, हमको पता है 2 पे H है, 2 से H उड़ा, इसको OH उड़ा, बीच में लगा लो डबल बॉन्ड। तो देखो तो भैया इसका प्रोडक्ट बना ले अपन ऐसे, सी डबल बॉन्ड सी, नाम इसका क्या हो जाएगा, तो भैया इसका देखो इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूट, नंबरिंग करो 1 2, ब्यूट 2 इन 1 अल,
नाम क्या हो गया, ब्यूट टू इन वन हल, एक पैल्डिहाइड डोपे इन, चलेगा? कोई समस्या इसमें? तो बेसिकली क्या होता है, अल्कोहल यहां से गायब हो जाता है, हाइड्रोक्सी वाली जो चीज है वो यहां से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। चलो इस वाले का कंडेंस कहां गया, साइक्लिक वाला, हाँ इस वाले का कंडेंस बना लो तो फटाफट, इस वाले का कंडेंस बना लो, इसका कंडेंस्ड फटाफट, इसका कंडेंस बनाओ तो क्या होगा, मुझे ये बताओ कि किस किस कौन से दो कार्बन के बीच वाला गायब होगा। यहां पे मैं ये ग्रीन वाले को हटा दे रहा हूं, ये नंबरिंग हटा दे रहा हूं, कौन से वाले कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, किस किस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, कौन कौन सा कार्बन है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, गुड रितु, कौन कौन सा हो जाएगा, करो फटाफट जल्दी से, जो कनेक्टिंग बॉन्ड है वो कनेक्टिंग बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड। प्रीति ध्यान दो बेटा, पांच और छह कनेक्टिंग है या दो और छह कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग कौन है, पांच और छह या दो और छह, भैया दो और छह कनेक्टिंग बॉन्ड है ना, ध्यान दो ना यहाँ पे, दो और छह है ना मेरे भाई, देखो ध्यान दो, मतलब ठीक है और नंबरिंग नहीं, यहाँ देखो दो और ये छह, दो और छह वाले के बीच में क्या है, ये कनेक्टिंग बॉन्ड है, अच्छा सॉरी ठीक है, दो और छह वाले के बीच में कनेक्टिंग बॉन्ड है ना, देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये टू पे ये सिक्स पे, इन दोनों को क्या किया, कनेक्ट किया, ठीक है। चलो सो बनाए इसका प्रोडक्ट, तो दो और छह के बीच में कनेक्टिंग बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड हो जाएगा वो। सो भैया ये वाली चीज ऐसे यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये हो गया सी ओ और एच, काम खत्म, डन है, देख लो इसको, नाम इसका हो जाएगा साइक्लोब्यूट, साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड, ठीक है प्रत्युष, ठीक है साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड। कोई समस्या यहां तक, कोई समस्या यहां तक, हाइड्रोक्सी क्यों होगा, हाइड्रोक्सी तो उड़ा दिया ना, ओएच उड़ा दिया ना, कंडेंस करने का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सी को उड़ा देना, वाटर को निकाल देना, ठीक है यही तो काम कर रहे हैं अपन, ठीक है चलेगा। हाँ जी और कोई समस्या, चलो अब नीचे वाले में भी आप आराम से कंडेंस प्रोडक्ट बना सकते हो, ये आपका गृह कार्य है, आराम से घर पे बनाना, मैं अभी के अभी ये पीडीएफ डाल दे रहा हूँ ग्रुप में, अभी के अभी डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, एक रिएक्शन बचा है दैट इज कैनिजारो रिएक्शन, अब अभी नहीं पढ़ा रहा, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है सो अभी के लिए छोड़ दे रहा हूं मैं, कंडेंस आपको इसका पूरा मैकेनिज्म और क्वेश्चंस कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी रिएक्शन है। अगले क्लास में इसके आगे कहानी कैनिजारो रिएक्शन थोड़ा सा है, छोटा सा पार्ट है, उसको पढ़ लेंगे, बिल्कुल इसी टाइप का बट छोटा सा, बहुत छोटा है, ठीक है। सो कैनिजारो पढ़ लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड, सो थोड़ा सा आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ के आइएगा, अगले क्लास में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड पे बात करेंगे, ठीक है चलो ठीक है। तो अपन इसी के साथ सभा समाप्त करते हैं, ठीक है चलो ठीक है ओके बाय बाय। कल डाउट क्लास है, कल डाउट क्लास है, कल तो संडे है, संडे को डाउट क्लास है, सही में भाई कब हो गया भाई, यार गंदे लोग यार बताते नहीं है तुमको, तो सच में है, अरे हाँ सही में बहुत दुख हुआ मेरे को, ठीक है कोई बात नहीं, एक तो संडे मिलता है वो भी खा जाते हैं लोग, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो कल हम मिलते हैं ऑफिस में, ठीक है चलो ठीक है। सो मैं डाउट ये पीडीएफ डाल दे रहा हूँ, और अपन जो भी डाउट होगा कल लेके आ जाना, कल बात करेंगे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर से, एल्डिहाइड कीटोन से पहले तक में जो भी डाउट हो अपने लेके पधार दीजिएगा क्लास में, ठीक है।
ओके, मतलब एल्काइल हैलाइड एंड ओल, मतलब जितने भी आपके पास थे ओल से रिलेटेड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सारे हैं, ठीक है। चलो क्या बता दूं, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एंड ओएच, क्या बोल रहा है, हैंड रेज कर, तो हैंड रेज कर प्रत्योष, क्या छूटा है, कौन सा चैप्टर छूट गया, बोलो। सर हम पूछ रहे थे कि अगर एक कार्बन पे हाइड्रोजन और ओएच दोनों लगा होता है तो वाटर नहीं बन जाता है क्या? नहीं, एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन ओएच लगा हुआ है तो उसको वाटर कैसे बनाएगा, तो ओएच उड़ा देगा उसी जगह से हाइड्रोजन उड़ा देगा, कार्बन का ऑक्टेट पूरा होगा। बेजे में गया मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं। अच्छा तो एक बात बता, एक ही कार्बन पे ओएच, एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, सो वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा था, हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा था। अब वही एक ही कार्बन पे दोनों लगे तो दोनों उड़ा देगा, तो भैया कार्बन के चार बॉन्ड बनेंगे, फिर कैसे बनाएगा चार बॉन्ड? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ कि कैसे चार बॉन्ड बनाएगा फिर कार्बन के, सुनाई दे रहा है तेरे को प्रत्युष? हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलिए सर। एक ही कार्बन पे OH लगा, एक ही कार्बन पे H लगा, तो उसी कार्बन से दोनों को उड़ा दिया, तो क्या चार बॉन्ड बना पाएगा वो कार्बन फिर कभी? क्यों नहीं बना पाएगा? ओ भाई साहब रुक रुक जा, चल ये CH3 है, ये CH3 है, ये C है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ठीक है। तू कह रहा है कि काम करो कि यहाँ से इस H को उड़ाओ, यहाँ से इस OH को उड़ाओ, यही कह रहा है ना? हाँ। चल दोनों को उड़ा दे, अब तूने दोनों को उड़ाया, चल बता OH को माइनस लेके उड़ाएगा? हाँ। ठीक है, और H को प्लस लेके उड़ाएगा? ठीक है ठीक है, चल तो H को प्लस लेके उड़ाया तो यहाँ पे माइनस रह गया, ठीक है, और OH को माइनस लेके उड़ाया तो इसका प्लस रह गया यहाँ पे, सो इसका प्लस इसका माइनस मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया ये दोनों। हाँ। न्यूट्रल हो गया। अच्छा बताओ, ये न्यूट्रल तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब बता मेरे मुझे इतना सा कि कार्बन को चार बॉन्ड बनाने होते हैं, यहाँ कितना बॉन्ड बना रहा है? दो। ऑक्टेट पूरा है तो हाइड्रोजन लग जाएगा कहीं से यार, मतलब कहीं से हाइड्रोजन लगा जाएगा, ये क्या होता है कहीं से हाइड्रोजन लगा देंगे, आते इसको बनाना है, देखो कैसे यहाँ पे कैसे वाटर बनेगा, इसका तरीका देखो क्या हुआ, यहां से OH उड़ाओ, इस बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे ना, इस बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को उड़ाओ, तो यहाँ दो है ना, दो को कर दे, यहाँ तीन है तो तीन को कर दे दो, तो यहाँ एक हाइड्रोजन उड़ गया तो इस पे आ गया माइनस, और यहाँ से OH उड़ा था इस पे आ गया प्लस, अब इन प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड बना ले, तो ये क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और कोई टेंशन भी नहीं, सब खुशी खुशी रह रहे हैं। भेजे में गया? हाँ ठीक है, इसलिए एक से OH और एक से दूसरे वाले से H उड़ता है, कभी एक ही पर से OH और H नहीं उड़ जाता, ठीक है। हाँ चल ठीक है, पूछ लेना कल सुरुचि, ठीक है ओके।